Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate graduation day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. हैदराबाद के पुराने शहर में यौम आशुरा के मौके पर तारीखी बीबी के अलम का जुलूस निकाला गया। 10 मुहर्रम यौम आशुरा के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी तारीखी बीबी के अलम का जुलूस निकाला गया। बीबी के अलम का जुलूस अलावा बीबी वाकई दबीरपुरा से हाथी पर निकाला गया। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों जैसे कि कमान शेख फैज, याकूतपुरा दरवाज़ा, एतबार चौक, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजे शाह, मंडी मीरालम, पुरानी हवेली और दारुशफा से गुजरता हुआ मस्जिद इलाही चादरघाट के रूबरू वाक़ आशुरखाना बैतुल हजन पहुँच कर ख़त्म हुआ। जुलूस गुजरने के रास्तों पर अकीदतमंदों की जानिब से ढती और नज़र पेश की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ अंजुमनों और आज़ादारों की जानिब से अहले बैत की जानिब से मातम का नजराना भी पेश किया गया। शरहदबाद पुलिस की जानिब से बीबी के अलम के जुलूस के कामयाब इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम किए गए थे। जुलूस गुजरने के रास्तों और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई थी। ఈ మొహరం సందర్భంగా బీబీ అలావా నుంచి ఈ ప్రొసెషన్ మరియు ఎలిఫెంట్ కూడా ఒక దాదాపు 1 o'clock ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరింది. పోలీస్ విభాగం తరఫు నుంచి లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ ట్రాఫిక్ కానీ అన్ని రకాలు మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. అండ్ ఈ ప్రొసెషన్ దాదాపు ఒక 6 kilometers వరకు నడుస్తుంది. చివరిలో చాదర్ ఘాట్లో ఒక మస్జిద్ ఇలాహీ దగ్గర ఇది అయిపోతుంది, మూసీ రివర్ పక్కన. సో పోలీస్ పరంగా తర్వాత జనరల్ పబ్లిక్కి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా చూడటానికి మేము అన్ని రకాల ఏర్పాటు చేశాము, మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. హుకూక్ నిస్వాన్ కి కార్కున్ నరేలా శారదా నే తెలంగాణ స్టేట్ ఖవాతీన్ కమిషన్ కి చైర్పర్సన్ కా ఓహ్దా సంభాల్ లియా. నరేలా శారదా నే థోలీ ఏకాదశి తెహ్వార్ కే మౌకే పర్ వజీర్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఔర్ सीता अक्का की मौजूदगी में तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन का ओहदा संभाला। इस मौके पर सभी ने उन्हें मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आपको बता दें कि नरेला शारदा को वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन की जिम्मेदारी सौंपने के सिलसिले में 12 जुलाई को एक जियो जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि शारदा जो कि कमीशन की रुकन थी, उन्हें पी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के मुस्तफ़ी होने के बाद चेयरपर्सन के ओहदे पर फायज किया गया है। आपको ये भी बता दें कि सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने 8 जनवरी साल 2021 को ख्वातीन कमीशन की सरबराह का ओहदा संभाला था। उनकी मियाद आमतौर पर 7 जनवरी 2026 को ख़त्म होनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मियाद ख़त्म होने से पहले ही ओहदा छोड़ दिया।
नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने अहदेदारों को अगले 4 माह में उड़ीसा के नैनी कोल ब्लॉक से कानकनी शुरू करने की हिदायत दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी महकमा तवन्नाई रोनाल्ड रॉस सिंगरेनी कॉरपोरेशन के CMD एन बलराम व दीगर अहदेदारों के साथ एक जायजा अजलास मुनाकिद किया। इस दौरान उन्होंने नैनी कोल ब्लॉक पर तबादला ख्याल किया और अंदरून 4 माह उड़ीसा में सिंगरेनी कॉरपोरेशन को अलॉट किए गए नैनी कोल ब्लॉक से कानकनी शुरू करने की हिदायत जारी की। उन्होंने रियासती हुकूमत और कंपनी के विकार को लोगों की फलाह बहबूद को ध्यान में रखकर काम करने को कहा है। नायब वजीर आला ने नैनी ब्लॉक के रिहायशियों को रोजगार और R&R पैकेज फराहम करने का हुक्म भी जारी किया। भारत राष्ट्र समिति के कायद हरीश राव ने पटल चेरू के BRS रुकने असेंबली जी माही पाल रेड्डी के कांग्रेस में शामिल होने पर कारकुनान से कहा कि उन्हें हौसला हारने की जरूरत नहीं है, BRS पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। साबिक वजीर हरीश राव ने पटल चेरू हलके के कारकुनान के एक इजलास को मुखातिब करते हुए याद दिलाया कि YSR के दौरे हुकूमत में भी BRS के MLA छीन लिए गए थे और ये भी कहा जा रहा था कि BRS का खात्मा हो जाएगा, लेकिन BRS को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जी माही पाल रेड्डी के पार्टी छोड़ने पर कहा कि उन्हें पार्टी क्यादत ने 3 मरतबा पटन चेरू का MLA बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो पार्टी को छोड़ गए। हरीश राव ने वाजे किया है कि पार्टी से इन्हराफ करने वाले MLAs को जब तक ना अहल करार नहीं दिया जाता, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने वाजे किया है कि BRS को सिर्फ कारकुनान और अवाम पर भरोसा है, BRS पार्टी कारकुनान के साथ खड़ी रहेगी। నేను ఇవాళ మీకు చెప్పేది ఒకటే, గూడెం పోయినా గుండె ధైర్యాన్ని మీరు కోల్పోకండి, మేమున్నాం మీకు. గూడెం పోయినంత మాత్రాన్ని ఎవరు గుండె ధైర్యం కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేదు. BRS పార్టీ మీకు అండగొట్టి మేమందరం కూడా మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటాం. ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలు ఇవాళ పార్టీ మారినరో వాళ్ళు మాజీలు అయ్యేదాకా నిద్రపోయేది లేదు, వాళ్ళని వదిలిపెట్టేది లేదు. ఇవాళ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏదో రోజు మాజీ కావాల్సిందే, వాళ్ళని మాజీ చేసేది ఖాయం. बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने कहा कि मजलिस की जानिब से तेलंगाना रियासत से मुतालक पर्णा मुखर्जी कमेटी को तहरीरी तौर पर जो बात कही गई थी वो आज सच साबित हो रही है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी दफ्तर दारुसलाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए BJP के साथ BRS का इत्तेहाद होने या फिर BRS का BJP में इंजमाम हो जाने से मुतालक पूछे गए सवाल पर कहा कि ये रिपोर्ट 2 अंग्रेजी रोजनामों में शाये हुई है, उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं है। अखबारात में जो रिपोर्ट शाये हुई है उसकी हकीकत क्या है उसे समझने की ज़रूरत है। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि साबिक MP जी विनोद ने ये बात कही है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि शायद वो अखबारात की रिपोर्ट की बुनियाद पर ये बातें कह रहे हों। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि साल 2008 और साल 2009 में मजलिस की जानिब से प्रणब मुखर्जी कमेटी को तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की गई थी कि तेलंगाना गैर तरक्की याफ्ता इलाका है, तेलंगाना में तरक्की नहीं हुई है और अगर अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील दी जाती है तो ऐसी सूरत हाल में नई रियासत में BJP मजबूत हो जाएगी। सदर मजलिस ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील हुई, तेलंगाना मजबूत भी हुआ, लेकिन आज भी तेलंगाना में बाज़ कमजोरियाँ हैं और सूरत हाल आवाम के सामने है, लेकिन मजलिस ने जो बात कही थी वो बात आज सच साबित हो रही है। देखिए, मेरे को तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर उनके पास है तो नहीं मालूम क्या इन्फॉर्मेशन है, मगर मेरे को अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं थोड़ा डिलिबरेटली थोड़ा दूर जा रहा हूं। मैं 2009-10 में 8-9 में हमारी पार्टी ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को लिख कर दिया था
कि तेलंगाना में नाइंसाफी जरूर हो रही है, तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है, मगर हमने इस बात को कहा था कि अगर आप स्टेट बनाएंगे तो यहां पर बीजेपी मजबूत होगी। अब तेलंगाना बन गया, तेलंगाना डेवलप भी हुआ, तेलंगाना में अभी भी कमजोरियां हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीआरएस बीजेपी से मर्ज होगी या टीआरएस बीजेपी से अलायंस करेगी। ये इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में रिपोर्ट हुआ है, मेरे को नहीं मालूम ये होगा नहीं होगा, मगर ये अखबार में रिपोर्ट हुआ है। नहीं, आपके सवाल का मैं आपको बोला ना, थोड़ा मैं वो कर रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया कि टीआरएस पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी या टीआरएस पार्टी बीजेपी से अलायंस करेगी। अब इस पर आप पूछिए उनसे, देखिए आप इनसे पूछिए ना, भाजपा तो यही सवाल करती है कि हमारा क्या फायदा होगा एक साथ। अरे मेरे को क्या मालूम, अगर ऐसा डाउट हो रहा है नहीं, देखिए मैं जो अखबार में पढ़ा और दोनों रेस्पॉन्सिबल न्यूज पेपर है उसमें बात रिपोर्ट हुई है, रिपोर्ट हुई है ना, इसमें रिपोर्ट हुई सो बात है ये, और उसमें तो हमारे एक्स एमपी विनोद साहब का स्टेटमेंट है, एवरीथिंग ऑन द टेबल, एक्सप्रेस में बोले एनीथिंग कैन हैपन, मैं नहीं बोल रहा हूं ये। तो मैं जो बात 2008-09 में हम कह रहे थे वो क्या हो रहा आज, वो ठीक है, आप मेरे को उस वक्त भी मेरे को आप क्रिटिसाइज करें, अभी भी करते कल भी करेंगे, मगर सच कौन साबित हो रहा है इसमें। साबिक वजीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कर्ज माफी से मुतालिक रहनुमायाना खतूत को उलझन का सबब करार दिया, किसानों के कर्ज माफ करने के लिए इतनी पाबंदियां लगाने पर सवाल उठाए। बीआरएस रहनुमा व साबिक वजीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने कहा था कि वो एक ही किस्त में कर्ज माफ कर देगी। निरंजन रेड्डी ने कहा कि रेवंत हुकूमत किसानों की कर्ज माफी के लिए संजीदा नहीं है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि बीआरएस हुकूमत ने कोरोना बहरान के दौरान भी रैतु बंधु जारी किया था, 29,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी माफ किया गया था। एस निरंजन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर रियासत की आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल रहनुमायाना खतूत का कोई जिक्र नहीं किया गया था और न ही इसे मंशूर में शामिल किया गया था। एस निरंजन रेड्डी ने मुतालबा किया है कि कर्ज माफी के किसी भी रहनुमायाना खतूत के बगैर तमाम किसानों के कर्ज माफ किए जाने चाहिए। కాబట్టి మీ విచారణలు మీ పరిశీలనలు మీ బుద్ధి ఉన్నంత టైం తీసుకొని చేసుకోండి, మాకు అభ్యంతరం లేదు, కానీ రైతులకు తక్షణమే రైతు భరోసా ఇవ్వండి. ఒకవేళ పెద్ద రైతులకు మేము అన్ని విచారణ చేసి ఇస్తాం, చూసుకొని ఇస్తామంటే చూసుకోండి, కనీసం 5 ఎకరాలలోపున రైతుల కన్నా మొత్తానికి ఇవ్వండి. 92.5% రైతులు లేదా 92.5% భూమి చిన్న సన్నకారు రైతుల చేతిలో ఉంది, 5 ఎకరాల లోపు ఉండే రైతుల చేతిలో ఉంది. వాళ్ళందరికీ రైతు బంధు ఏంటి, ఎందుకు ఇయ్యరు అంటున్నా. మరి రుణమాఫీకి అర్హుడైనటువంటి రైతు బంధుకి ఎందుకు అర్హుడు కాడు అంటున్నా. మరి రుణమాఫీ చేసేటప్పుడు కూడా నువ్వేమన్నా పాస్బుక్ను వెరిఫై చేస్తున్నావా, ఈ గుట్టనా గట్లా అనేది? సింపుల్ లాజిక్, అదే లాజిక్ దీనికి వర్తిస్తుంది కదా. सिद्दीपेट एमएलए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तदार आने के बाद से गरीबों और किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बीआरएस के सिद्दीपेट एमएलए हरीश राव ने सिद्दीपेट में अपनी अराजी से महरूम होने वाले एक किसान किश्तैया के इकदाम खुदकुशी के बाद अस्पताल पहुंचकर किश्तैया की इयादत की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस कायदीन अपनी मर्जी से किसानों को निशाना बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के तशद्दुद की वजह से ही अराजी से महरूम होने वाले किश्तैया ने अपने जान देने की कोशिश की है। हरीश राव ने किश्तैया के अहले खाना से भी मुलाकात की। किश्तैया फिलहाल गजवेल के RVM अस्पताल में तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं।
हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जब से कांग्रेस तेलंगाना में बरसर इक्तदार आई है, गरीब आवाम और किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासत भर में किसानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जुल्म व सितम में भी इजाफा हुआ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने हैदराबाद और आसपास के इलाकों में बारिश की पेश खयासी की है। तेलंगाना के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से हैदराबाद और आसपास के इलाकों में हल्की ता औसत बारिश या फिर गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेश खयासी की गई है। तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। IMD ने खबरदार किया है कि शदीद बारिश की वजह से सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। लोगों को अपनी नकल व हरकत महदूद करने को कहा गया है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी ज़रूरी इकदाम करने की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना के कुछ हिस्सों के लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले कोमराम भीम, आसिफाबाद, मंशियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु और भद्रादरी कोत्तागुड़ा में कई मकामात पर शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। अलावाजी, अजला, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सरसला, करीमनगर, फैदापल्ली, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, नागर करनूल और वनापर्ती में भी कई मकामात पर तेज बारिश का इम्कान है। कुलहीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने चीफ इमाम मस्जिद अक्सा मौलाना ASH शेख याकूब अब्बासी से मुलाकात की। जराए ने बताया कि AIMIM नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने मौलाना ASH शेख याकूब अब्बासी चीफ इमाम कुतुब मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा रेड हिल्स डिवीजन कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, MS एजुकेशन के चेयरमैन अब्दुल लतीफ वो दीगर मौजूद थे। घटकेसर की रामनगर कॉलोनी में एक वालिद ने अपने 4 साल लड़के को आवारा कुत्तों के हमले से बचा लिया। शहर हैदराबाद और उसके मजाफाती इलाकों में आवारा कुत्तों के अवाम पर हमले करने के वाकयात मतवातर पेश आते जा रहे हैं, लेकिन इन वाकयात पर काबू पाने के इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन वाकया घटकेसर की रामनगर कॉलोनी से सामने आया है, जहां पर एक 4 साल लड़का आवारा कुत्तों के एक गिरोह के हमले में बाल बाल बच गया। बताया गया है कि लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक 4 आवारा कुत्तों ने लड़के का पीछा किया और उस पर हमला करने की कोशिश की। खतरे को भांपते हुए लड़के के वालिद ने फौरन तेजी से आगे बढ़ते हुए कुत्तों को वहां से भगाया और अपने बेटे की जान बचा ली। रियासत तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के आत्माकोर मंडल में हादसाती तौर पर डूब जाने से 3 अफराद की मौत हो गई। जरा ने बताया कि आत्माकोर मंडल के वोपेरा गांव में कानकनी के लिए गढ़ा खोदा गया था। एक 12 साल लड़की उषा इत्तेफाकी तौर पर पानी से भरे उस गढ़े में जा गिरी। लड़की को बचाने के लिए उसके वालिद राजू और एक मुकामी नौजवान श्रीपाल रेड्डी ने भी पानी में छलांग लगा दी, ताहम गहराई ज्यादा होने की वजह से तीनों अपनी जान से हाथ धो बैठे। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर मुकामी लोगों की मदद से 3 लाशों को बाहर निकाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया।
रियासत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ यात्रा गुजरने के रास्ते पर मौजूद होटलों और दुकानदारों को मालिकान के नाम आवेदन करने की हिदायत जारी की है। रियासत उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के इनेकाद से कबल मुजफ्फरनगर के SP अभिषेक सिंह ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली होटलों और दुकानदारों को हुक्म दिया है कि वो अपनी दुकानों के सामने मालिकान के नाम लगे बोर्ड आवेदन करें, जिसका मकसद मालिकान के मज़ाहिर की शिनाख्त करना है। मुजफ्फरनगर पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में हुक्म जारी किए जाने के बाद दुकानदारों ने मालिकान के नाम लिखे बोर्ड आवेदन करना शुरू किए हैं। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सर, मोहर्रम एक तरह मोहर्रम। जमात इस्लामी हिंद शाख कागज नगर के ज़ेर एहतमाम एक जलसे आम बउनवान मौजूदा सियासी सूरत हाल और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी मस्जिद आमिरा इंद्रा मार्केट में मुनक़िद हुआ। मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही नायब सदर जमात इस्लामी हिंद के दौरे तेलंगाना के मौके पर जमात इस्लामी हिंद शाख कागज नगर के ज़ेर एहतमाम एक जलसे आम बउनवान मौजूदा सियासी सूरत हाल और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी मस्जिद आमिरा वाक़ इंद्रा मार्केट में मुनक़िद हुआ। मौलाना ने अवामुन्नास से कहा कि वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारे, बुनियादी मकसद को पहचाने। हमारा मकसद अकामत दीन रज़ाए इलाही फलाह आखिरत होनी चाहिए। हिकमत अमली के साथ हर शोबों में दीन की खिदमात को आगे बढ़ाने की कोशिश करने पर भी उन्होंने जोर दिया। मुमताज़ आलम दीन व साबिका PSTV उर्दू मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही नायब सदर अमीर जमात इस्लामी हिंद ने इस मौके पर कहा कि हमारा नज़्बुल ऐन आखिरत होना चाहिए, दुनिया से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आखिरत की फ़िक्र करने और औलाद की फ़िक्र करने की तरगीब भी दी गई। ख़वातीन से ज़्यादातर वक्त अपने घर को जन्नत का बाग बनाने और बच्चों की तरबियत पर सर्व करने पर भी जोर दिया गया। तमाम नौजवानों, बुजुर्ग और ख़वातीन से बच्चों के दीनी उलूम और दीन अखलाक़ी पर तवज्जो देने की भी ख्वाहिश की गई। माशरे की इस्लाह की फ़िक्र करने, दीनी माहौल में अपने औकात को सर्व करने और बेजा रसूमात में मुलविस होने से गुरेज करने का भी मशवरा दिया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद शाख ज़िले आसिफाबाद के नाजिम ज़िला रफ़ीउज़्ज़मा व अमीर मुकामी कागज़ नगर मोहम्मद सादिक कारकुनान जमी अराकीन आमिला ख़वातीन व दीगर ने शिरकत की। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate graduation day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.